नमस्कार साथियों, केबीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं वीरेंद्र आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज पढ़ेंगे काव्यखंड से अवतरित एक नया चैप्टर, एक नए कवि के बारे में। रसखान जी ब्रज भाषा से ओतप्रोत इनकी रचनाएं पढ़ने पर एक अपार सुख की अनुभूति ही होती है। काव्यखंड को जितना काव्य के रूप में पढ़ा जाए, जिस विधा से पढ़ा जाए, उस विधा से पढ़ने पर जो आनंद प्राप्त होता है उसकी बात अलग होती है। चलिए रसखान जी को पढ़ते हैं। रसखान जी का जन्म 1548 में हुआ माना जाता है। सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से शिक्षा दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। तो ये इनका बहुत ही संक्षेप जीवन है। नाम चीजें हैं, नाम याद रखना है आपको, मूल नाम याद रखना है, जन्म मृत्यु का सन और उनके जो भी गुरु हुए उनको रखना है याद। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति उनका भी अनन्य अनुराग व्यक्त है। उनके काव्य में कृष्ण रूप की माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण का प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है और वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विभलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है जिसे जरा भी शब्दांबर नहीं है। रसखान जी हमेशा से ही ब्रज में रहे और कृष्ण के आर पार ही, कृष्ण के ऊपर ही सारी रचनाओं का वर्णन करते रहे। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव प्रकट हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। तो इस तरीके से इनकी जीवनी खत्म हुई। साथियों, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे इन जो सवैया हैं इसमें मैं दो दो करके आपको पढ़ मैं पहली दो सवैया और दूसरी बाद में दूसरी, तो सवैयों के दो वीडियो आएंगे, तरीके से देख सके उनको, बोर ना हो, ठीक है, उसमें मन लगा रहे, क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप लोग उससे जो है थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, सवैयों के साथ में, और ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछते रहिए, आपको इसका जवाब मिलेगा। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नए